ओम शांति। आज दिन भर के लिए विशेष मधुबन घर से अव्यक्त मास का पुरुषार्थ आया। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसमें बाप दादा ने इशारा दिया, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थात विशेष बाप दादा कहते, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब शांति की सकास देने के लिए सारे कार्यों को रोक दिया जाता है और कम से कम 3 मिनट का साइलेंस रखा जाता है। ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा ने विशेष ट्रैफिक कंट्रोल के नियम का पालन करने की श्रीमत दी है। कर्म करते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। संकल्पों को विराम दो, डीप साइलेंस स्थिति का अनुभव करो। इसीलिए बाप दादा कहते, अंतिम पेपर में पास होने के लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में संकल्प करो और आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से स्वतः लगाव खत्म हो जाएगा। सदा स्मृति रखो कि मैं इस देह में अमानत हूं, पिता परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ यह ब्राह्मण मरजीवा जन्म दिया है, जिसमें लौकिक कार्य करते हुए भी उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना, उस पिता निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलना, बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हैं, ऐसे ही साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्ते पन की ड्रेस सेकेंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। इसीलिए बाप दादा कहते, अब अंत समय है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। स्मृति में रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकेंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। अब सदा यही लक्ष्य रखो कि मुझे बाप समान बनना है, तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर।
उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा को बदलकर तेरा शब्द को स्मृति में रखो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा, सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत परमत का किचड़ा ना हो। सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना, यह भी भाग्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। हल्के न्यारे बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते और उड़ाते रहेंगे। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बन जाओ। सब बोझ बाप पर अर्पण कर दो। खुद हल्के डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करो। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी का साधन है। अंदर आवे और लाइट का किला दिखे। इसीलिए बाप दादा कहते, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस वाले प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाते हैं, वैसे साइलेंस पावर की प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहने वाले भी सभी की नजर में आएंगे और जय जयकार का नारा लग जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, अब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर डीप साइलेंस की अनुभूति को बढ़ाओ। भल एक घंटे में एक मिनट का समय निकालो। एक एक मिनट से अपने चार्ट को बढ़ाते जाओ। यह अभ्यास लंबे समय का चाहिए, तो ही अंत समय में अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। तो अब यही अनुभूति करेंगे, बार बार अपने संकल्पों को विराम देना, सेकेंड में कर्म करने के लिए देह में आना और सेकेंड में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना। तो अशरीरी बन जाएं, संकल्पों को विराम दें, शांत हो जाएं। एकदम शांत डीप साइलेंस में चले जाएं।
देह अथवा देह से जुड़ी बातें तो क्या? देह को भी भूल जाएं, न्यारे विदेही निराकार, बीज रूप अवस्था के सिवाय कोई भान नहीं, अनुभव करें मैं हूं ही निराकारी आत्मा, निराकारी पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी बिंदु आत्मा, बीज रूप बिंदी स्टार मिसल, लाल प्रकाश की दुनिया ब्रह्मांड में, सफेद सितारे सा चमकता एक ज्योति पुंज, संपूर्ण निर्विकारी परम पवित्र अवस्था को प्राप्त, मन बुद्धि और संस्कार पूर्णतया मर्ज रूप में, मेरे सामने है बीज रूप पिता शिव परमात्मा, संपूर्णता के सागर, पवित्रता के सागर, गुणों एवं शक्तियों के अखुट खजाने, बाबा से निकलते दिव्य प्रकाश द्वारा मुझ में समाते जा रहे हैं, मैं भी बाबा के प्रकाश की गहराइयों में समाती जा रही हूं, एकदम शांत, सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को स्वयं में समाती मैं आत्मा, तृप्त हो जाएं, भरपूर हो जाएं, अब एक सेकेंड में पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन,
अनुभव करें स्वयं को ब्रह्मा बाबा के सम्मुख विराजमान। लाइट की देह में संपूर्ण संपन्न अवस्था में पाप दादा की दिव्य दृष्टि से अखुट खजाने प्राप्त कर वरदानों से अपनी झोली भर। उड़ चले नीचे की ओर अपने शरीर को विशाल काय रूप में अनुभव करें। अनुभव करें मैं विशाल काय फरिश्ता। ले लें अपने हाथों में पृथ्वी ग्लोब को। और बाप दादा की दिव्य शक्तियों की पावरफुल किरणें प्रवाहित करें पृथ्वी ग्लोब पर। विश्व के कोने कोने में एक एक तत्व पर एक एक आत्मा पर प्रवाहित करें। सर्व आत्माओं को पांचों तत्वों को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तित करें। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रख। बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाएं। पांचों तत्वों को तमो प्रधानता से मुक्त कराए। सतो प्रधान बनने की दिव्य शक्तियां प्रदान करें। अब आ जाएं अपनी पांच तत्वों की देह में। देखें स्वयं को पांच तत्वों की देह में न्यारा और प्यारा चमकदार सितारा। लाइट की फरिश्ता देह को मर्ज करें। और अपने
आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करें। अनुभव करें, मैं संपूर्ण पवित्र सतोप्रधान हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों में फुल हूं। फिर इस देह से न्यारे हो जाएं, पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्वरूप धारण कर। बाप दादा से वरदान ले, सर्व खजानों से भरपूर हो, फिर उड़ चले परम धाम में। बीज रूप अवस्था का अनुभव करें, बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर, पुनः आ जाए अपने फरिश्ता स्वरूप में। फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व का चक्कर लगाएं, देखें ऊपर आकाश में स्वयं को उड़ता हुआ। वतन से बाप दादा की दिव्य प्रकाश रूपी किरणें, सर्व शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न किरणें मुझ फरिश्ते पर आ रही हैं। और मुझ फरिश्ते से होते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों पर, विघ्न व परिस्थितियों पर एक एक आत्मा पर पड़ रही है। यही अभ्यास निरंतर चलता रहे, हर घंटे में कम से कम 1 मिनट का अभ्यास जरूर करें। अच्छा, कल के पुरुषार्थ के साथ कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।